वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ रावल रियाज और आप देख रहे हैं क्विक स्टार्टअप्स। तो पहले तो जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का हमारा टॉपिक है जी एयरटेबल का, कि एयरटेबल हम कैसे लिंक करेंगे और कैसे वो उस पर हम डाटा कैसे सेंड कर सकते हैं, कैसे डाटा उससे मंगवा सकते हैं। तो उसके लिए छोटा सा डेमो मैंने बनाया है। सबसे पहले हम ये डाटा भेजते हैं, डाटा सेंड कैसे होगा। नेम में मेरे लिख लेता हूँ अपना ही चैनल का नाम, क्विक स्टार्टअप्स। नंबर हम कोई भी लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स वाई जेड कुछ भी। सेंड डाटा पे क्लिक करते हैं और सक्सेसफुली अपडेटेड वहाँ पे मेरे पास लेबल पे शो हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ जो मैं डाटा भेजा वही मेरे पास यहाँ पे नीचे शो हो जाए, तो मैं सिंपल क्लिक करूँगा गेट डाटा पे। तो ये देखिए मेरे पास डाटा यहाँ पे शो हो गया। चलिए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको मैं बताता हूँ कि हमने कैसे इसको लिंक किया और एक क्या ब्लॉक्स हैं, कैसे काम कर रहे हैं। नहीं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमने यहाँ पे स्प्रेडशीट यूज़ की हुई एयरटेबल की, जिन लोगों को नहीं पता। यहाँ पे आप आएंगे स्टोरेज में, ठीक है, और यहाँ से आप जैसे स्प्रेडशीट को ड्रैग करके इस पर लेंगे। इनविजिबल कंपोनेंट है, यहाँ पर आपको नीचे शो हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एयरटेबल पर तो आप इसके जो है चले जाएँगे होम पेज पर। तो मैं यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। अच्छा, कुछ ऐसा आपको बताएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हो रहे हैं तो आप साइन अप करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे, और अगर जो पहले से हैं तो उनके पास ही मैसेज होगा। यहाँ से मैंने अपनी वर्क स्पेस बनाई हुई है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। यहाँ से अपने जो है अगर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है बेस अपनी, तो यहाँ पर ऐड बेस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। ऐड बेस पर क्लिक करके तो आप जो है अगर आपने कोई टेम्पलेट यहाँ से उठाना है तो उस पर यहाँ से टेम्पलेट ले सकते हैं। अगर कोई स्प्रेडशीट पड़ी हुई है ऑलरेडी, उसमें डाटा है आपके पास, जैसे कोई एमसीक्यूज वगैरह या कुछ भी ऐसा जो आप मतलब उस पर बनाना चाह रहे हैं, ऐप का डाटा ऑलरेडी मौजूद है तो आप सीएसवी फाइल जो है अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है, तो मैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से करूँगा यहाँ पर क्लिक करके। तो यहाँ पर जो है सिंपल कोई भी मैं एक्स वाई जेड इसका जो है नेम दे के मैं इस पर ये मेरी बेस क्रिएट हो गया। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ये टेस्ट ऐप है, ठीक है, इस पर काम कर रहा हूँ, उसका टेबल ये। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ ये शो हो जाएगी। देखिए मैंने ये डाटा यहाँ सेंड किया तो डाटा मेरे पास यहाँ आ गया। अच्छा, जब आप इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पे आपसे ये मांगेगा एपीआई की और बेस आईडी और टेबल नेम, ठीक है। एपीआई की आपको बताऊँ कहाँ से लेनी है आपने। आप जब प्रोफाइल में आप अपनी आएँगे तो यहाँ प्रोफाइल पर यहाँ क्लिक करके अकाउंट में आपने जाना है, ठीक है। अकाउंट में आपको जो है यहाँ पर शो हो जाएगी आपकी एपीआई की। थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है नेट मेरा, ये रहा जनरेट एपीआई की और डिलीट एपीआई की। अगर आप लोगों के पास नहीं शो हो रही तो आप जनरेट कर सकते हैं। मेरी ये एपीआई की है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। और जिन लोगों का यहाँ पे ये डिसेबल है, ठीक है, गूगल ड्राइव इंटीग्रेशन का, तो ये आप लोगों ने इसको इनेबल कर लेना है। यहाँ से मैंने एपीआई की कॉपी की और कॉपी करके मैंने ये यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। अब बेस आईडी कहाँ से लेनी जाए, सारी बार जो आप बेस क्रिएट करें उसकी आईडी भी आपने उसी में से लेनी है। उसमें भी आप यहाँ हेल्प पे क्लिक करेंगे और आपने जाना है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में। इसके लिए हम थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये होता है लोड। जो लोग न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें काइंडली, ताकि आपको जो हेल्पफुल वीडियो मिलती है, ट्यूटोरियल मिलते रहे। जिनको कोई मसला आ रहा है वो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको हेल्प ज़रूर करूँगा। अच्छा, ये देखें यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल यूजिंग बेरियर टोकन रिकमेंडेड। यहाँ पे ये नीचे लिखा होगा, यहाँ पे ऐप लिखा होगा ना, ऐप से आपने कॉपी करना है, ऐप से लेके यहाँ तक, ठीक है। इससे आपने कॉपी करके और इसको अपने बेस आई डी में इसको आपने पेस्ट कर देना है। अब टेबल नेम ज़ाहिर सी बात है, ये टेस्ट ऐप ये टेबल नेम होता है। यहाँ पर जो भी आप नेम देते हैं ना यहाँ पे इसको, वो आपका टेबल नेम होता है, ठीक है। ये तो हो गया कि आपने इसको कैसे लिंक करना है प्रोजेक्ट के साथ। अब मैं ये बाकी है सिंपल है, यहाँ पे एक लेबल मैंने लिया हुआ था ये वाला, इसका मैंने टेक्स्ट मूव किया हुआ जो कि मैं स्टेटस बता रहा था कि डाटा अपडेट हो गया। फिर एक बटन है, फिर लेबल है, ठीक है, फिर स्पेस दी हुई है, ये दो जो है मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स हैं, और एक फिर बटन है, ये बटन टू है मेरे पास, ठीक है, और ये बटन वन है। अब ब्लॉक्स पार्ट में हम चलते हैं। देखें जब डाटा भेज रहे हैं हम, ठीक है, बटन वन जब क्लिक होगा तो यहाँ पे आप आएंगे स्प्रेडशीट वन से, आपने ये कॉलम लेना है सबसे पहले ही, क्रिएट रो कॉलम नेम और वैल्यूज़, ठीक है। अब मेरे पास जैसा है कि एक से ज़्यादा मेरे पास वैल्यूज़ हैं, कॉलम नेम मैंने यहाँ से इसको क्या किया है कि जी
मेकर लिस्ट से मैंने इसको उठा लिया, ये वाला ब्लॉक, ठीक है, मेकर लिस्ट। अब मेरे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, दो थे कॉलम, दो वैल्यू थी, दो मैंने अपडेट करनी थी, मैं दो कर लिया। अगर आपको ज़्यादा आपने करनी है तो आप यहाँ पे स्टार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ से अपनी जो है वैल्यूज़ बढ़ा लेंगे, जितने आपके कॉलम्स हैं आप उस हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये आपने लिखना है कॉलम नेम आपने एग्जैक्ट लिखना है, जो नेम आप यहाँ पे दे रहे हैं ना अपने कॉलम को, वही नेम जो है आपने, वो स्पेलिंग बिल्कुल सेम नेम आपने जो है यहाँ पे अपने कॉलम में शो करना है। ठीक है, और इसी तरह वैल्यूज़, वैल्यू में कौन सी ले रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स वन का टेक्स्ट ले रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स टू का टेक्स्ट, सारी बार दो टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिए हैं, ये रहे मेरे पास, इनका मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने जब बटन वन पर क्लिक किया तो जब रो क्रिएट हो गई, अब ये भी जो है यहीं पर मेरे पास है स्प्रेडशीट वन में कि वैन रो क्रिएटेड, ये रहा यहाँ पर ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक आप लेंगे वैन रो क्रिएटेड, और लेवल थ्री जो था मेरा रिस्पॉन्स वाला था तो उस पर मैंने जो है ये लिख दिया सक्सेसफुली अपडेटेड, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा डाटा अपडेट हुआ है या नहीं। ठीक है, ये तो अगर डाटा अपडेट करने का, और ये देखें मेरे पास, मैंने आपको दिखाया था डेमो में कि डाटा जो है अपडेट हो गया था मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि डाटा मैं मंगवाना चाह रहा हूँ, अपने शो करवाना चाह रहा हूँ ऐप में कि डाटा कैसे शो होगा। अब सिंपली बटन वन क्लिक होगा तो कॉल स्प्रेडशीट वन, वन को उसने कॉल किया। ठीक है, कि गेट सेल, वहाँ से स्पेसिफिक जो है आपको शो करा है। ठीक है, गेट सेल पे क्लिक किया तो रो नंबर क्या थी मेरे पास यहाँ पे, जहरी बात फर्स्ट में ये लिखा हुआ फर्स्ट रो नंबर है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ही नंबर दिया। और कॉलम नेम, कॉलम नेम नेम वाला था मेरे पास कि पहले मैं जो है उसका कॉलम नेम में से पहली रो की जो वैल्यू मैं लेना चाह रहा हूँ जो कि मेरा नाम है। ठीक है, अब मैंने ये किया कि स्प्रेडशीट को गेट सेल किया, और जब गेट सेल मेरे पास आ गया, गोट सेल जब मेरे पास उसने जब डाटा ले लिया, ठीक है, ये देखें ये रहा गोट सेल वाला, जब उसने ले लिया तो मैंने क्या किया कि लेबल वन जो है यहाँ पे, ये लेबल वन है, इसके टेक्स्ट को जो है गेट वैल्यू कर दी, जो भी उसने वैल्यू ली है इस सेल में, जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी मेरे पास, ये देखें, इधर से कोई और वैल्यू होती है तो उसने वही उठानी थी, इसीलिए मैंने कर दिया कि जो भी वैल्यू है यहाँ पर मुझे वो शो करें। जब वो मेरे फर्स्ट उसके सेल की वैल्यू ले लेगा तो फिर मैं स्प्रेडशीट टू, ठीक है। अच्छा, अब आपके अगर वैल्यू ज़्यादा है तो आप स्प्रेडशीट उतनी दफ़ा यूज़ करेंगे। अब मैंने एक वैल्यू थी, मेरी एक वैल्यू मैंने ले ली, उसके नीचे फिर अब मैंने दूसरी वैल्यू लेनी है तो मैंने उसी के नीचे दूसरा ब्लॉक लगाया स्प्रेडशीट टू का, ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर का कॉलम है, उसकी पहली वैल्यू लेना चाह रहा हूँ तो उस पर फिर मैंने किया स्प्रेडशीट टू पे, अब मैं आ गया। जब स्प्रेडशीट टू गोट सेल करेगा, सेल की ले लेगा यहाँ से, तो फिर मैंने क्या किया, सेव लेवल टू का टेक्स्ट जो है उसको मैंने कह दिया गेट वैल्यू पे। अब अगर आपने थ्री पे करना है, ठीक है, तो आप इसको डुप्लीकेट करके यहाँ इसके नीचे लगाएंगे, कोई तीसरी अगर आपकी है, अगर आप चाह रहे हैं तीसरा और चौथा और पाँचवा जितनी वैल्यू आप लेना चाह रहे हैं आप ऐसे ही शो कराएंगे। यहाँ से आप स्प्रेडशीट थ्री कर देंगे, जब स्प्रेडशीट थ्री आप ले लेंगे यहाँ से अपना कॉलम नेम चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से ज़्यादा मल्टीपल जो है काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने डाटा ज़्यादा भेजना है तो इस तरह कॉलम इंक्रीज़ करेंगे और इसको टेक्स्ट को भी इंक्रीज़ करेंगे। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लें चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर।